मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के ऊपर एक बहुत बड़ी बयान दिया था। हम आपको बताना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए एक बहुत बड़ी बयान दिया था। क्या उस बयान पर आज भी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान क्या एग्री हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय मध्य प्रदेश में थी और आज भी है, केवल मुख्यमंत्री चेंज है? क्या मुख्यमंत्री चेंज हो जाने के वजह से क्या पूर्व मुख्यमंत्री के बयान आज भी जारी रहेगी? हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका को जो है 125,000 रुपये रिटायरमेंट देंगे और 13,000 रुपये वेतन। 13,000 रुपये वेतन तो लागू हो गया वहाँ आंगनबाड़ी सेविका के लिए, 13,000 रुपये वेतन लागू हो गया। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सहायिका के लिए भी जो है 1,00,000 रुपये मिलेगी। जब नौकरी से जब रिटायर होंगे तो 1,25,000 रुपया सेविका को मिलेगा और 1,00,000 रुपये सहायिका को मिलेगा। क्या ये नियम आज भी वहाँ बरकरार है? दूसरी बात ये कहा था कि मैं 13,000 रुपये हर महीने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देने के लिए तैयार। 13,000 रुपये वहाँ वेतन आज भी मिल रही है, सेविका की जो वेतन है आज भी 13,000 रुपये मिल रहा है। अब एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी अगर पूरे भारत में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की अगर 13,000 रुपये अगर वेतन नहीं करती तो इसको क्या समझा जा सकता है? क्या ये नरेंद्र मोदी का जिम्मेदारी नहीं है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कम से कम सम्मानजनक वेतन मिले? और जिस बातों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने लगातार सवाल उठाई थी, उस सवालों पर क्या इस समय वर्तमान में जो मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री है, क्या इस बात को एग्री करेंगे? क्या अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री है, क्या वो मुख्यमंत्री किस प्रकार से काम करेंगे? क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बातों की मान सम्मान रखी जाएगी या सिर्फ चुनावी जुमला था या चुनाव के उस समय दौर था, चुनाव की प्रक्रिया था इसलिए ऐसा कहा गया? लेकिन ऐसा अगर कहा गया तो फिर 13,000 रुपये जो वेतन की बातें चल रही है और वेतन जो हुआ बढ़ा 13,000 रुपये वहाँ सेविका को जो है दिया जा रहा है और आज भी जो है वहाँ वेतन क्या बढ़ सकता है? क्या अब जो है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश को, अब देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या वहाँ सेविका के लिए वेतन फिर से बढ़ेगी? हाल ही में हम आपको बता देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी संघ के यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा जो है खटखटाया और आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला मध्य प्रदेश से ही शुरू है। मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने पूरी तमाम अपने यूनियन के साथ, संगठन के साथ सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये निर्णय लेते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में आंगनबाड़ी सेविका को जो है कम से कम 18,000 रुपये वेतन होना चाहिए। क्या ये मामला शिवराज सिंह से पहले सुप्रीम कोर्ट में अगर चलता तो क्या वो 18,000 रुपये वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होता या मुख्यमंत्री उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13,000 रुपये जो वेतन लागू किया इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात करेंगे कि राज्य सरकार कितना और केंद्र सरकार कितना। अब जरा सोच करके बताइए कि हम इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात क्या करें जबकि दोनों सरकार तो एक ही।
केंद्र में भी जो है भाजपा सरकार उस समय थी और राज्य में भी जो उस समय भाजपा सरकार ही थी। तो हम इस बात को क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार को देना चाहिए और कैसे केंद्र सरकार को देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि फिलहाल कम से कम 25,000 रुपये पूरे भारत में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मिलना चाहिए। अगर 1,25,000 रुपया मतलब 1,25,000 रुपया जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेविका को मिलेगा, तो क्या ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है? 1,00,000 रुपये जो बताया था कि सहायिका को मिलेगा, तो क्या ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है या सभी राज्य के लिए? अगर आप साफ तौर पर अगर देखेंगे तो एक राज्य में जो नियम लागू हो जाता है वो सभी राज्यों में नियम लागू हो जाता है। भारत का ऐसा संविधान है। और क्या वहां के लिए अगर सेवका के लिए अगर 1,25,000 रुपये हैं और सहायिका के लिए 1,00,000 रुपये है, तो क्या मध्य प्रदेश के लिए है या अन्य राज्य के लिए भी? अगर शिवराज सिंह चौहान ने अगर कहा कि आंगनबाड़ी सेवका को 13,000 रुपये की वेतन होगा, तो 13,000 रुपये की वेतन तो हो गया, क्या सभी राज्यों के लिए 13,000 रुपये वेतन लागू क्यों नहीं हुआ? हम इसे क्या जाहिर प्रकट कर सकते हैं? हम प्रकट ये कर सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बातें की थी। क्या भाजपा सरकार सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बात की थी? हम भाजपा सरकार की बात ही करेंगे, चूंकि केंद्र में और राज्य में दोनों भाजपा सरकार है, उस समय भी थी और आज भी। लेकिन क्या इस बातों को क्या माना जा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पूरे राज्य में जिस प्रकार से शिवराज सिंह ने लागू किया कि 13,000 रुपये वेतन, तो क्या 13,000 रुपये पूरे भारत में लागू होना चाहिए? हालांकि दिल्ली में इससे थोड़ा सा कम वेतन, 12,720 रुपये वेतन। अब एक सवाल मेरा आज भी मन में उठ रहा है कि अगर भारत में एक जैसे अगर किसी राज्य में अगर एक कानून लग गई, तो धीरे धीरे पूरे राज्य में जो है कानून लग जाता है, तो जब 13,000 रुपये मध्य प्रदेश में जब लागू है, तो पूरा भारत में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए इतना वेतन लागू क्यों नहीं है? अगर वेतन लागू नहीं है पूरे भारत में, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही अगर 13,000 रुपये है, तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि इस जो रिटायरमेंट की पैसे की जो बात कहा है कि 1,00,000 रुपये सहायिका के लिए और 1,25,000 रुपये 1,25,000 रुपये जो है सहायिका सेवका के लिए, 1,25,000 रुपये सेवका के लिए और 1,00,000 रुपये सहायिका के लिए, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ वो मध्य प्रदेश के लिए लागू है या फिर पूरे भारत के लिए लागू? अगर पूरे भारत के लिए लागू अगर है, तो फिर ये 13,000 रुपये पूरे भारत में लागू क्यों नहीं? फिर ये 13,000 रुपये पूरे भारत में लागू क्यों नहीं, एक सवाल है। अब ये सवाल भाजपा सरकार से पूछना तो अनिवार्य है।